गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों की आंसर की यहाँ पे आ चुकी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम हो चुका है, उन लोगों की आंसर की यहाँ पे यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन एंड आंसर की चैलेंज फॉर ग्रुप ए जी कप 2021, और यहां पे एक लिंक आपको यहां पे भी दी गई है। आप यहां से भी इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे एक नया पेज मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि यह आंसर की चैलेंज क्या है, इसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, जब आप इस पेज पर यहां पे आएंगे तो आपको यहां पे अपना रोल नंबर एंटर करना होगा और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो आपको एंटर करना होगा। जैसे आप यहां पे रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप यहां पे लॉगिन हो जाएंगे और आपको यहां पे आंसर की मिल जाएगी, यानी जो आंसर्स आप लोगों ने किए हैं अपने एग्जाम में वो आपको यहां पे पता चल जाएगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी यहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं आखिर ये आंसर की चैलेंज क्या है या फिर क्वेश्चन चैलेंज क्या है, ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो देखिए, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, जैसे आपने किसी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है, ठीक है, आपने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर की आई है, यहाँ पे किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया है लेकिन आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन करेक्ट किया है और आंसर की यहाँ पे गलत आई हुई है। या फिर एक स्थिति यहाँ पे और बनती है, हो सकता है, देखिए टोटल आप लोगों के 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में, तो हो सकता है यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी यहां पे गलत हो, ठीक है, कोई पूरा क्वेश्चन भी आपका यहां पे गलत हो सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में कोई मिस्टेक हो गई हो और क्वेश्चन आपका गलत आ गया हो, या फिर हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में कोई मिस्टेक हो, ठीक है। तो देखिए, जो दूसरी स्थिति है यहां पे, अगर क्वेश्चन गलत है या फिर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में मिस्टेक है, तो आप इसके लिए भी यहां पे चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये कंडीशन होगी कि वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हो, ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन स्किप किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी आप चैलेंज कर सकते हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा। तो यहां पे दो स्थिति बनती है, एक तो ये कि आपने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है लेकिन आंसर की में ही आंसर यहां पे गलत दिया गया है, तो आप इसके लिए यहां पे चैलेंज कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन यहां पे ये है कि कोई क्वेश्चन यहां पे गलत हो, जैसे मतलब पेपर सेट करने वाले ने ही यहां पे क्वेश्चन में गलती कर दी हो या फिर ऑप्शन में गलती कर दी हो, तब आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, चैलेंज करने से यह फायदा होगा, अगर आपका चैलेंज यहां पर सही हो जाएगा तो आपके नंबर यहां पर बढ़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, चैलेंज आपको करना कैसे है। देखिए, जैसे आप यहां लॉगिन होंगे रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करके, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन चैलेंज का, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एंटर करना होगा, आपको बताना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है और यहां पे आपको क्या लग रहा है कि किस क्वेश्चन में क्या गलती है, आपको वहां पे डिटेल में बताना होगा। फिर उसके बाद आप चैलेंज के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही पूरी यहां पे क्वेश्चन चैलेंज की प्रोसेस है। देखिए, अगर आप श्योर हैं आपने किसी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया है, आपका आंसर सही आया है, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, या फिर दूसरी स्थिति यहां पे ये बनती कि पूरा क्वेश्चन ही गलत दिया गया है और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, किसी ऑप्शन पर टिक किया है और क्वेश्चन ही पूरा गलत बनाया गया है जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, तो वहां से भी आप यहां पे चैलेंज कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए है। तो पहले एक बार क्वेश्चन नंबर एक से करके 100 तक एक बार अच्छे से आप अपना चेक कीजिए, आप मिला लीजिए अच्छे से कि किसी क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं हो गई है, आपने आंसर सही किया है और आपको नंबर नहीं मिला हो, तो इस स्थिति में आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही पूरी प्रोसेस है, इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, आपको लॉगिन हो जाना है, पहले आप अपनी आंसर की एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से मिला लीजिए, किसी क्वेश्चन में अगर आपको मिस्टेक लगती है तो आप यहां पे चैलेंज
कर सकते हैं। बस यही इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको बतानी थी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 15 सितंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देनी थी। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।